टाटा समूह ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लिथियम आयन सेल प्लांट के निर्माण को लेकर एक डील की है। ये डील गुजरात सरकार के साथ हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग के दौरान गुजरात के साणंद में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्लांट लगाने का फैसला लिया गया था। बता दें कि टाटा मोटर्स का पहले से ही साणंद में एक प्लांट चालू है और उसने फोर्ड मोटर के प्लांट का भी अधिग्रहण किया है। दोनों प्लांट के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे पूरा होने में तकरीबन 1 साल का समय लग सकता है। दरअसल टाटा की इकाई अगरतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्लांट पर काम 3 साल से कम समय में शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि ऐसा संयंत्र तकरीबन 6 लाख कारों के लिए बैटरी की आपूर्ति कर सकता है। बता दें कि एक कदम ऐसे समय में उठाया गया जब भारत अपनी खुद की ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर विचार कर रहा है। इसकी प्रारंभिक निर्माण क्षमता 20 गीगावाट घंटे होगी, जिसे विस्तार के दूसरे चरण में दोगुना किया जा सकता है। प्लांट पर काम 3 साल से कम समय में शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टाटा मोटर्स की 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की योजना है। लग्जरी जगुआर ब्रांड 2025 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा और कार निर्माता 2030 तक अपने पूरे लाइनअप के ई मॉडल को लॉन्च करेगा।